पशुपालकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीण पशुपालन एवं गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में मेसी फर्गुन चौराहे पहुंचे और यहां से पैदल रैली निकालकर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी सूरज कुमार वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि हम विभिन्न ग्रामों के पशुपालक विगत कई वर्षों से पीड़ित हैं। हमारे गांव शहर से दूर होने की वजह से दूध की मात्रा कम व साधन संपन्न नहीं होने से हर व्यक्ति खुद का दूध व मावा शहर तक लाने में सक्षम नहीं है एवं हमारे गांव में कोई शासकीय दुग्ध संग्रह केंद्र नहीं होने से हम परेशान हैं और रोजमर्रा का जीवन यापन बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि 20 दिसंबर से गांव करमदी व पंचदेवरा के 10 से 15 परिवार का मावा लेकर गुर्जर समाज के दूधराज पिता रामसुख गुर्जर शहर की ओर आ रहे थे, तभी पुलिस द्वारा उन्हें थाने पर बुलवा कर खाद्य अधिकारी से मावे की सैंपलिंग करवाई गई। ज्ञापन में बताया गया कि चौकी प्रभारी द्वारा आरोपियों और दोषियों को तो संरक्षण दिया जा रहा है, परंतु हम गरीबों के ऊपर बेवजह की कार्यवाहियां कर हमें भयभीत किया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय दुग्ध संग्रहण केंद्र खुलवाए जाए एवं पशुपालकों को पशुपालन के लिए खल कपास बाटा चारा और शुक्ला जैसी वस्तुओं में शासन द्वारा छूट प्रदान करवाई जाए एवं हम लोगों पर हो रही बेवजह की सैंपलिंग की कार्यवाही भी रुकवाई जाए और हमें न्याय प्रदान किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान मनासा तहसील के ग्राम गारीगुड़ा, नवलपुरा, पलासिया, गोविंदपुरा, पंचदेवरा, करमदी और जावत तहसील के ग्राम भोजपुरा, लापिया, केवड़िया, चरमी, खेड़ा सहित कई गांव के पशुपालक उपस्थित थे। जी, ये जो हमारे पठार क्षेत्र के गरीब पशुपालक हैं, जिनके दो दो तीन तीन किलो मावा ये बनाते हैं और उसको रोज 10-15 जनों का इकट्ठा करके इन्हें एक जना कोई भी बाजार में बेच के इनकी आजीविका का सामान लाते हैं। कंजाड़ा चौकी प्रभारी द्वारा जबरन इनका मावा पकड़ना, कुत्ते इनके पीछे लगाना, इस बात को लेकर समाज में आक्रोश था और कल ये जब घटनाक्रम हुआ, सैंपलिंग का कार्यक्रम हुआ, तब ये सारा मामला मनासा विधायक माधव जी मारू के संज्ञान में भी आया। उन्होंने जब अधिकारियों से बात करी तो बताया कि ये इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी, तो लोगों में थोड़ा सा आक्रोश कम हुआ। उसके बाद भी समाज के जो चुनिंदा लोग हैं पूरे ज़िले से यहाँ आए और माननीय एसपी साहब को आवेदन देकर चौकी प्रभारी की जो जिस तरीके से लोगों के साथ जो व्यवहार है उसको लेकर न साहब को आवेदन दिया कि भई ये लोगों में भय और खौफ का माहौल पैदा करती है, लोगों को जिस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित किया उसके लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से न्याय की गुहार लगाई है। अभी क्या बोले अधीक्षक महोदय? अधीक्षक महोदय ने बोला कि भाई इसकी हम जांच करेंगे आपके साथ बैठ के और आप लोगों का कोई भी हित प्रभावित नहीं होगा, आप लोगों को बराबर न्याय मिलेगा। आपका नाम और पता? देवा गुर्जर।